अलार्म तो लगाया था सुबह 5 बजे का, लेकिन अचानक से 4 बजे नींद खुल गई। तो कोई नहीं, थोड़ा सा गर्म पानी पी लेते हैं ताकि नींद पूरी तरह से खुल जाए, उसके बाद पढ़ाई करते हैं, आलस तो करना नहीं है। और वैसे आज थोड़ा सा जुकाम सा लग रहा था मुझे सुबह सुबह ही। कोई नहीं, जुकाम तो एक बहाना है, फिर भी पढ़ाई तो करनी ही करनी है। तो सुबह उठते ही हमारा फर्स्ट सेशन जो होगा वो हम करेंगे ऑप्शनल का ही, जो कि कल एक बार पढ़ा था उसको आज रिवाइज करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा उसी टॉपिक पे एक आंसर लिखेंगे। आंसर राइटिंग की मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है मेरा आंसर। सेशन कंप्लीट करते हुए सुबह के बज गए 6 और थोड़ा सा उजाला हो गया है बाहर। अब चलते हैं मार्केट, ले आते हैं न्यूज़पेपर, क्योंकि आज संडे है और संडे जिम की छुट्टी है, तो उसी टाइम को यूटिलाइज़ कर लेंगे हम न्यूज़पेपर में। बाकी दिन मैं सॉफ्ट कॉपी पढ़ लेता हूँ पीडीएफ से, या फिर न्यूज़ एनालिसिस देख लेता हूँ। एक दूध 27 वाला अमूल, 3 अंडे, 1 डाउन ब्रेड 15 वाला। और आज का हमारा ये है मोटिवेशन। तो नाश्ता बनाते हैं, सबसे पहले अंडे को रख देते हैं बॉयल होने के लिए, दूध गर्म कर लेते हैं, उसके बाद रात का भिगोया हुआ रहता है चना। तो हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है, चने फ्राई कर लिए, ब्रेड है, कॉफ़ी बना लिए, और अंडे भी बॉयल हो गए हैं। सो नाश्ता कंप्लीट करने के बाद अब हमारा न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू होती है। तो न्यूज़पेपर मुझे पढ़ने में 1 घंटा लगता है मैक्सिमम, 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटे 20 मिनट। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 2-2 घंटे तक, और फिर कहते हैं मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होगा जब आप फालतू की न्यूज़ पढ़ोगे। तो मैं क्या करता हूँ कि स्टार्टिंग के 10 मिनट न्यूज़पेपर का एक ओवरव्यू ले लेता हूँ, और उस पॉइंट को टिक कर लेता हूँ UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहले 10 मिनट में उसी टॉपिक को टिक कर लेता हूँ, फिर अगले 50 मिनट या 60 मिनट उस टॉपिक पे मैं अपना टाइम देता हूँ। तो इस तरह से मैं 1 घंटे में न्यूज़पेपर कंप्लीट कर लेता हूँ। क्योंकि न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आप सब कुछ पढ़ते रह जाओगे फिर तो 2 घंटे लगने ही लगने हैं। इसलिए न्यूज़पेपर में आप पॉइंट जो पढ़ रहे हो उसे अच्छे से चूज़ करो कि वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। क्योंकि रीजनल न्यूज़ या पॉलिटिक्स न्यूज़ वो सब आपको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा, UPSC में उससे क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं, तो उन टॉपिक को आप डायरेक्टली अवॉइड किया करो। न्यूज़पेपर कंप्लीट करने के बाद अब हमारा ऑप्शनल का लाइव क्लास स्टार्ट होगा। लाइव रिकॉर्डेड क्लास है, मैं दोपहर में कभी भी देख लेता हूँ, कभी 11 बजे कभी 12 बजे। आज लाइब्रेरी नहीं गया हूँ मैं जुखाम की वजह से, क्योंकि वहाँ पे AC चलाते हैं लोग, तो जुखाम बढ़ सकता है, इसलिए आज रूम पे ही पढ़ता हूँ। 1 दिन की छुट्टी है, बाकी कल से फिर लाइब्रेरी जाना ही है। तो 2 घंटे की मेरी क्लास होगी, और इसमें मैं बुक से भी पढ़ता हूँ और लेक्चर से मैं आंसर्स लिखता हूँ, या नोट्स जो सर लिखाते हैं उसे नोट्स भी बनाता हूँ। तो इस तरह से ऑप्शनल में आपको हमेशा ज़्यादा समय देना है, क्योंकि ऑप्शनल ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सकता है। एक सब्जेक्ट 500 मार्क्स का, और GS के चारों GS में आप देख लो कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, GS 1 में देख लो आपको 3-4 सब्जेक्ट हैं, टोटल 250 मार्क्स मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, 150 मार्क्स। लेकिन ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 500 मार्क्स है, और लोग 350 भी क्रॉस कर लेते हैं। तो आपको ऑप्शनल में एक अपनी अच्छी पकड़ बनानी है, और ऑप्शनल पर आप जितना ज़्यादा समय दे सकते हो उतना ज़्यादा समय दीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग करिए। ऑप्शनल ही आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, और ऑप्शनल ही आपको
रैंक दिला सकता है। अब जितने भी टॉपर्स हैं उनके आप मार्क्स देखिए तो जीएस में सारे लोगों का एवरेज ही रहता है, ऑप्शनल ही लोगों को सिलेक्शन देता है और रैंक भी देता है। क्लास करते हुए दोपहर हो गए, डेली तो लाइब्रेरी से निकल के मैं चला जाता हूँ वहीं से खा के वापस लाइब्रेरी में, लेकिन आज रूम पे हूँ तो इसलिए मैं से खाना लेकर आते हैं सीधा रूम पे और रूम पर ही खाएंगे आज। आज खाने में है दाल चावल रोटी घिया चना की सब्जी और थोड़ा सा प्याज, और खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब हमारा जो है रिवीजन का सेशन शुरू होता है, और इसमें आज हम रिवीजन करने वाले हैं पॉलिटी का। पॉलिटी में आज हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट, और रिवीजन के लिए मैं एनसीईआरटी का जिस्ट भी रखा हूँ तो इसे भी मैं रिवाइज करता हूँ। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ करी गई बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है इसमें सब, और पॉलिटी के लिए ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत है ही। दोनों बुक से मैं पढ़ता हूँ, नोट्स भी मैंने बनाए हैं लेकिन नोट्स बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाए हुए। और एक बार रिवाइज करने के बाद एक आंसर प्रैक्टिस भी कर लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, और इस तरह से खुद को चेक कर लेंगे कि कितना कुछ कवर हो गया है आज का। और शाम के बज गए 4 और थोड़ा सा कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा सा एनर्जी डाउन सब हो गया है। बाहर लेकर आए, काफ़ी बाहर का नज़ारा है, अच्छा ही है, मौसम बारिश का हो रहा है, 2 दिन से बादल लगे हैं लेकिन बारिश हो नहीं रही है। कॉफ़ी पीने के बाद हम वापस आ गए अपने स्टडी टेबल पे। अब हमारा जो है 3rd सेशन होगा आई थिंक, 3rd या 4th, और इसमें आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट का रिवीजन करना है आज। और ऑब्वियसली इन्वायरमेंट के लिए सबसे अच्छी बुक है शंकर आईएस, वही सारे पढ़ते हैं क्योंकि इसमें कंटेंट ऑलमोस्ट सारे ही दिए हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इस तरह से हमारा 3rd सेशन भी कंप्लीट हो जाता है, 3rd या 4th जो भी हो। अब आई थिंक रात के बज रहे हैं 8 और खाना बनाने की तैयारी शुरू करते हैं, और आज हमारे रात का खाना बनेगा रोटी और राजमा। ये बन गया हमारा राजमा, राजमा तो मार्केट से लाया हूँ, रोटी बन गया। खाना खाने के बाद हमारा जो है लास्ट सेशन होगा करंट अफेयर्स का, जो कि सोने से पहले मैं 1 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ लेता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए मैं मैगज़ीन यूज़ करता हूँ, कोई भी मैगज़ीन किसी भी इंस्टीट्यूट की आप ले लो लेकिन एक ही लो, ऐसा नहीं है कि कई सारे लेके पढ़ लो तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट सब में सेम ही रहते हैं, बस लैंग्वेज सबकी अलग होती है, समझाने का तरीका सबका अलग रहता है। आपको जिस इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज अच्छी लगती हो वही पढ़ो। सो इस तरह से गाइज हमारी पूरे दिन का शेड्यूल हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद रात में 10:30-11 बजे तक पढ़ाई करने के बाद तो फिर सोने की तैयारी, सो जाएंगे सुबह 12 बजे तक सो जाते हैं, सुबह 5 बजे फिर से उठना और वही डेली रूटीन फॉलो करना, लाइब्रेरी जाना, आज लाइब्रेरी गया नहीं, कल हो सके तो जुकाम ठीक हो जाए तो लाइब्रेरी चलेंगे, वरना कल 1 दिन और रेस्ट करेंगे। एनीवेज गाइज मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।